क्या घूर रही है मिस्टर वाला? अरे भाई, अरे आज 24 घंटे आप बुराई बिल्ली की तरह क्यों हमारा शिकार करने में तुली रहती है यार? क्या है? अरे पूरे इलाके में तू ही तो रहा गबरू जवान, मन ने थारा यो गबरू बना चाहिए 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 चाहिए। भाई लगता है महाभारत के जमाने में आप जरूर दुशासन रही होंगी और हम प्रॉपर्टी। अरे भाई कोई है, हमें इस जवानी की लुटेरे से बचाओ यार। इसकी तो भाई फूल से गुलाब का खुशबू तो ले लो। एक्सक्यूज मी जी मैडम, मेरा नाम है युवा अवस्थी फिट फाट। युवा अवस्थी? ये युवा अवस्था तो सुना था, ये युवा अवस्थी क्या होता है यार? हाँ जी आपको देख के लगता नहीं है आप कभी युवा अवस्था में रहे होंगे। अरे भाई युवा हमारा नाम है और अवस्थी हमारा सरनाम है फिट फाट। अरे अंकल जी ना के समस्या होगी वृद्धावस्था में? मैडम बात यह है कि एट द एज ऑफ 45 मैंने शादी की थी एक 22 साल की लड़की के साथ। ओहो। हम दोनों के बीच में काफी प्रेम था। अब 10 साल बाद उनकी उम्र हो गई है 32 साल, मगर लगती है सिर्फ 25 साल की, क्योंकि हफ्ते में तीन बार वो ब्यूटी पार्लर जो जाती है। और मेरी उम्र है 55 की, मगर मैं लगता हूँ 65 का, क्योंकि बूढ़ों के लिए तो ब्यूटी पार्लर होता ही नहीं है ना। नहीं बंद करो, जो भी तुम्हारी कहानी है सीधे सीधे बोलो FIR किसके खिलाफ लिखवानी है। रब देख बताऊ इब तो जो है ना बच्ची भी इरिटेट हो गई है, तू जो है ना अपनी बात बोल ले या तो अपने घर को जा। मैडम बात यह है कि मेरे बिल्कुल सामने रहते हैं एक मिस्टर रस्तोगी, तो आजकल उनका भांजा मजनू लेमन चूस आया हुआ है, तो वो हर सुबह उनकी छत पे चढ़ जाता है और यहाँ हमारी बीवी हमारी छत पे चढ़ जाती है, और शाम तक ना ही वो मजनू लेमन चूस नीचे उतरता है और ना ही हमारी बीवी नीचे उतरती है। और हमें क्या है ना कि जोड़ों का दर्द है, तो हम तो छत पे चढ़ नहीं सकते, लेकिन ऊपर छत पे जोड़ा बन रहा है। और मैडम मुझे शक है कि वो मजनू लेमन चूस हमारी बीवी के साथ मिलकर मेरा मर्डर करना चाहता है। मैडम प्लीज कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए। भाई तेने हिमालय का नाम तो सुन रखा? हाँ बचपन में एक बार सुना था। अच्छा ना घर में किस प्रकार का कोई कमंडल रूपी बर्तन, मतलब कोई कटोरी टेप की कोई चीज है? है भाई, तो ऐसा ना तो उसने लेके तो हिमालय चला जा, राम का नाम ले ले। अरे इस बुढ़ापे में अपनी बीबी में इंटरेस्ट दिखाने की कोई जरूरत ना हो रही, प्लीज गो। हाँ जी जान है तो जहान है। हाँ यार देखो, तुम हो बुढ़ी टिमटिमाती हुई लालटेन और तुम्हारी बीवी है एकदम चरट चरौटी बिजली। अब बिजली कहीं ना कहीं तो गिरेगी ना यार, तो अब तुम अपनी बीवी को भूल जाओ, जाने दो उसे। मतलब मैं अपना मर्डर होने दूँ फिट फाट? भाई ये तो कमाल है, आदमी बूढ़ा हो जाता है तो लड़कियां उसे देखना बंद कर देती है। आप देखेंगी दिया मैंने उसको। भाई दिस इज द बेस्ट वे टू लूज वेट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये क्या है सर? ये क्या क्या सर? आपके बालों में ये सफेदी की चमकार सर। हाँ डैडी जी, ये आपके बालों में सफेद लट? नहीं गुलगुले ने आपके बालों की सफेदी पहचानी है सर, सफेद बाल तो बुढ़ापे की निशानी है। अरे नहीं नहीं, आप लोगों को गलत फहमी हो रही है। वो क्या है ना कि अभी रास्ते में जब हम थाने आ रहे थे तो एक बिल्डिंग की सफेद पेंटिंग हो रही थी, तो शायद सफेद पेंट के छींटे लग गए होंगे हमें। ऐसा कैसा यार? गुड मॉर्निंग मैडम, आप मुस्कुरा रही हैं, आपने देखा नहीं मैडम सर बुढ़े हो रहे हैं। और तेने कोई ना देखा ना सुना ना जो वो कह रहा है सर में पेंट के छींटे से, तो पेंट के छींटे से छींटे मैडम। अरे ना क्यों गो? मैंने कहा था मैडम आपसे, मैंने आपसे कहा था, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिला? पापा देखिए देखिए डैडी जी, अब मम्मी जी का क्या होगा? नहीं निकला वो सिल्वर जिसे समझा गोल्ड, एक ही दिन में कोई कैसे हो सकता है इतना ओल्ड? क्या बकवास कर रही हैं आप, किसके पास शीशा है? हाँ।
ओह माय गॉड राम मक्खन सिंह न जिस प्रकार एक की बरसात में न तुरई का झाड़ फनफना के फैल जावे उसी प्रकार एक की दिन में थारी उफनती जवानी अरे सूखा झरना कैसे होगी ओह माय गॉड इसका मतलब जो भी गुरुजी ने कहा था वो सच निकला अरे कौन गुरुजी ने क्या क्या दिया थारे गुरुजी ने ये कहा था कि लुखनु जब तक तुम हमारी दी हुई जड़ी बूटी खाते रहोगे तुम 26 के गबरू जवान लोगे लगोगे सर तो आप हैं कितने के गुड क्वेश्चन हम असल में 65 साल के हैं हम 65 के हैं लेकिन हम लगते थे 26 के गबरू जवान उस जड़ी बूटी की वजह से खरे अब तो आपको पता चल गया होगा ना मिस्टर डाला जब आप हमारे पीछे एक बुराई बिल्ली की तरह भागती रहती थी हम आप में इंटरेस्ट क्यों ना लेते थे अरे हम तो खुद इंटरेस्ट पे चल रहे हैं यार बस द फैक्ट्स आर आउट हम 65 के ओल्ड हैं पर आप 25 की यंग हैं दैट मक्खन सिंह जदी ना जदी तो यो कतई मजाक से ना तो घटिया मजाक से यो थरम मुंह तोड़ दूंगी मैं अरे प्लीज यार मजाक तो हमारे साथ हो रहा है यार अरे हम गए थे गुरुजी के घर अपनी जड़ी बूटियों का स्टॉक रिचार्ज करवाने लेकिन वहां जाके पता लगा कि गुरुजी अपने कुत्ते के साथ दुनिया से डिस्चार्ज हो गए यार अब तो बस बुढ़ापा हमारा साथ ही है यार हम तो जवान हैं बात कर ले हम कन्वर्सेशन हो रही है हमारी ना तू तो ढाबे में बैठा से सॉरी मम्मी जी बेटा गुलगुले ना मैं यो सोच रही हूँ ना एक ही दिन में यो कतई बुढ़िया आ गया है लेकिन मम्मी जी उनके बाल अरे बाल अरे यो कड़ाके की गर्मी में इतना स्विट्जरलैंड का प्राणी बन के कौन आ रहा हाय मक्खन सिंह अरे घबराओ मत दोस्त ये उल्टी नहीं खांसी है आपको सर्दी लग रही है डैडी जी अरे यार इतना शर्मिंदा क्यों कर रहे हो हमें दोस्त हम तुमसे 2-3 साल ही तो छोटे हैं डैडी क्यों बुला रहे हो अरे मोटे बेटा जरा पंखा बंद कर दो प्लीज बहुत हमें सर्दी लग रही है और वो छोटी सी लड़की कहाँ है जो फुदकती रहती है कहाँ है वो यहाँ हो तुम कोकी बेटा हमारे हाथ मल दो बहुत सर्दी लग रही है अरे यो के ड्रामा मक्खन सिंह हाँ बोलो बेटिया अरे कोकी बात सुन ले इसकी अरे बेटिया हम तुम्हें बेटिया बुला रहे हैं बेटिया वो क्या है ना बेटिया जब हम आपको देखते हैं तो हमारा अंदर का बाप जाग उठता है इधर भी चेक कर अरे इधर भी देख बरोबर चेक कर क्या कर रहा हूं मैं क्या दिख रहा है तुम्हें और मत बोलो तुम एक वार्ड बॉय हो और मैं डॉक्टर हूं डिग्री है मेरे पास अच्छा अच्छा के क्या मतलब है अरे उठाई गिरो ना यो कतई बाइल्ड ना हो रहा जो इस पे टूर मचाए जा रहे हो दोनों जल्दी चेक करो और जल्दी मैंने बताओ इसको हुआ क्या है देखिए मैडम इनको एक अजीब तरह की गरीब बीमारी हुई है जो अपने आप में एक फिनोमिना है सीधे सीधे बीमारी का नाम बता फोकट में ही फुटेज खाया जा रहा है तुम एक वार्ड बॉय हो मैं एक डॉक्टर हूँ इस तरह से बात नहीं करते डॉक्टर से एक मिनट आप लोग अपना झगड़ा जरा बाद में कर लीजिएगा डॉक्टर साहब आप हमें जरा साफ साफ बता दीजिए कि इन्हें क्या हुआ है कोलू कोल्टू सीटू सिंटू फोरिया हुआ है इनको सीधे सीधे बोल कि ये मरने वाला है अरे मरने वाले हो तुम दोनों मैं कतई बता दे रही हूँ यो जो है हमारे संग शादी करेगा और मरने चाहिए जवान मरने चाहिए गबरू मैं हूँ ना गबरू गुजराल मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ रिलैक्स अरे क्या कर रहे हो तुम एक वार्ड बॉय हो रिस्पेक्टेड लेडी है और मैं एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हूँ मैं भी कुंवारा हूँ जवान हूँ सो मैडम छोड़ दीजिए
कोई बात ए, गबरू तो मैं हूं ना। अरे बेटा गबरू हाँ डॉक्टर है जाने दो लेकिन यहाँ का वार्तालाप सुनकर हमारे मन में आपके प्रति ससुर जैसी भावनाएं मतलब क्या कहते हैं पैदा हो रही। वाह अगर हमारा गबरू जैसा बेटा होता तो हम भी यही चाहते कि हमारे घर में ऐसी बहू आए। अब क्या करें संतान तो है नहीं हमारी। मैं बन जाता हूँ आपकी संतान। नहीं नहीं मैं हूँ ना गबरू। हमें दाढ़ी वाले पसंद हैं। हाँ, हाँ, तो हम चाहते हैं कि गबरू तुम इन्हीं से शादी कर लो। हाय मैं तने जाना ना थारे टुकड़े करके जाना मैं कुत्तों में खिला दूंगी। ज्यादा बात ना मिला तू और ज्यादा सजेशन देने की मरने कोई जरूरत ना रही चाचा। चाचा अरे हम ये देख रहे हैं मतलब मिनट आफ्टर मिनट आपका इंटरेस्ट हम में कम होता जा रहा है। अरे आप मानेंगे नहीं बहुत मजेदार बात है। बताइए कि ये जो है हम में इतना इंटरेस्टेड थी कि हमारे पीछे फुदकती थी हमारे पीछे उछलती थी मतलब 24 घंटे हमारे पीछे नाक में दम करती रहती थी। हाय कतई ज्यादा जो है ना फुदकने की कोई जरूरत ना। और जो मैं फुदक गई दुनिया से फुदका दूंगी तन्ने में। चल चल देखो चल देखो, आप, मैंने आप, तुमसे आप, कुछ रुपए उधार लिए हैं इसका मतलब ये नहीं तु, तु, निकल, तुम दुनिया के सामने मेरे साथ अब तू निकल बहुत हो गया तेरा। उधर इधर आ इधर निकल अब। ठीक है सर आप हमारा इलाज कौन करेगा मोटे। मैं नहीं कर सकता सर मुझे आता ही नहीं है। मैं कहां से। अरे अरे कोई है। भाई बाल को मैं जो है ना कतई स्ट्रेस आउट हो चुकी हूँ। भाई मन ने तो कतई ना बेरा है ना मक्खन सिंह तो इतनी सीधी घीर है कोई ना। नहीं दिस इज नॉट अ खेल ऑफ गुड़िया गुड्डा। कोई एकदम से कैसे हो सकता है इतना बुड्ढा। हाँ। मम्मी जी कहीं डैडी जी की जवानी को आपकी नजर तो नहीं लग गई। नहीं मैडम मुझे मुझे थोड़ा थोड़ा संभाल के थोड़ा राइट में लो थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट आन दो होल्ड राइट। यो क्यों हो गया नहीं स्ट्रेचर पे कैसे आ गया यो। देखिए मैडम इनकी जो सांसें हैं वो अरे सीधा बोलना ये मर रहा है दिल जले रिस्पेक्ट। मैडम जरा झाड़ी के पीछे आइए। अरे मैडम यहाँ कोई झाड़ी है क्या समझा कीजिए जरा साइड में आइए। मैडम सर तो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। मैडम यही मौका है आप अपनी अंतिम इच्छा सर के सामने रख दीजिए वो ना नहीं कह पाएंगी। भाई मक्खन सिंह भाई मन्ने डॉट ही ना बल्कि फुल गारंटी हो रही है कि तू कतई मरने वाला से। हाँ बिटिया उसी की कोशिश में तो है। भाई कोशिश की तो यह बात हो रही कि तू जो है ना मरने से पहले हमारी आखिरी एक इच्छा पूरी कर दे। मेरा मतलब है कि देखिए भैया कस्टम तो हमें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया है जो कि मतलब आजकल की फिल्मों में होता है वो क्या होता है कि जो मरने वाला होता है उसकी आखिरी इच्छा पूरी की जाती है क्यों। अरे तू तो मरने ही वाला हो रहा ना फिर कैसी इच्छा और कैसी उसकी पूर्ति। देख भाई तू मरने से पहले हमारे से शादी करेगा बस। अब डैडी जी धीरे खांसिए कहीं आप दुनिया से ना खांस जाएं। ये ऐसा मत कहो बेटी हम तो 65 साल के मरने वाले बूढ़े हैं पर आप रही 25 साल की गबरू जवान। अब देखिए इतना फासला है हमारी उम्र में अगर आप हमारी उम्र की होती तो शायद लेकिन आप है नहीं इसलिए आई एम सॉरी। अरे घना पतला हो रहा तू काजू खाया कर। सॉरी सॉरी अम्मा देखे नहीं आप। कोई बात ना बेटा मिश्रण आप। अरे मक्खन सिंह मैं नहीं मैडम नहीं नहीं मैडम मैडम आपका वो राज जो आज तक मेरे सीने में दफन था उसे आज आपने बाहर क्यों निकाल दिया क्यों। हाँ जी मम्मी जी
आपने ऐसा क्यों किया? रैडनाथ जी, इसके चक्कर में जो है ना, मैं जवान होने का नाटक कर रही थी। अरे जो ये कतई बुढ़ा निकला तो मैं क्या चार डालूं अपनी जवानी का? Hey, what do you mean? अरे भाई, मीनिंग तो ये हो रहा ना कि तू समझता होगा ना कि मैं इतने घने सालों से थारे पीछे न बोराई बिल्ली बन के क्यों घूम रही थी। अरे वो तो जो है ना, मैं अपनी एज छुपा रही थी। अरे आई एम नॉट 25, आई एम 60, रनिंग ऑन 61। नहीं, मैडम भी निकली आपकी तरह झूठी, क्योंकि वो भी खाती थी सेम गुरुजी की दी हुई जड़ी बूटी। ओह गॉड। अरे मारी जो है ना बूटी खत्म होगी तो मैं गुरुजी के पास गई ना, तो पता चला गुरुजी भी खत्म हो गए। बट ना गॉड इज काइंड एंड ही हैज मेड अस मेड फॉर ईच अदर। देख भाई, ना तू भी बुढ़ा ना मैं भी बूढ़ी, तो हमारी शादी होगी भाई। जी नहीं, जी नहीं, एज यूजुअल हमने आप लोगों का उल्लू काट दिया। पकड़ इसको। देखिए, ना तो हम है 65 के और ना ही है हम 21 के, क्योंकि हम है I am a young man. या, हमें तो अरे पहले से ही शक था कि ये एक नंबर की बुढ़िया है। पूछे कैसे? कैसे पूछिए? अरे पूछिए कैसे? बोलिए ना भी। हाँ ठीक है, हमें तो पहले से ही पता था कि एक नंबर की बुढ़िया है, क्योंकि ऐसी हरकतें जो ये करती हैं, अरे वो तो सिर्फ 60 साल की बूढ़ी औरतें करती हैं। और तो और मिशन वाला, अब तो फिर से आप में और हमारे में उम्र का फासला आ गया। अब आप रही 60 साल की बूढ़ी और हम रहे 25 साल के गबरू जवान। जी, और अब ये शादी नहीं होगी भाई। शादी तो जाना ना जरूर होगी बेटा। पूछ कैसे 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 ऐसे? अबे यार, ओ गॉड बेटा, ऐसा ना जिस प्रकार हर बार तैने सा खो जावे, इसलिए इस बार मन्ने पहले से ही सख था भाई। जिस स्कूल में तू पढ़ा करे ना, कि हेडमास्टर हो रही हूँ मैं। चल, ये कतई नाटक हो गया घना सारा। इब तो जो ना तू भी जवान ना मैं भी जवान, दिल भी जवान। बोल कब का मुहूर्त निकालू भाई। गुलगुले पंडित को है ना अपॉइंटमेंट दे दे उसको जब फोन।